हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मनसे नेता अविनाश जाधव का एक बार फिर अवैध दरगाह पर विवादित बयान आया है। कहा है कि नोटिस खत्म होने के बाद ढोल बजा बजा कर मुमरा जाऊंगा। मनसे नेता और ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने अपने जन्मदिन के मौके पर पुलिस द्वारा मुमरा प्रवेश बंदी का जो नोटिस दिया गया था उसका केक काटकर जन्मदिन मनाया है। कुछ दिन पहले ही अविनाश जाधव को मुमरा में प्रवेश करने पर ठाणे पुलिस द्वारा बंदी लगाई गई थी, मगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में कुछ दिन पहले ही सभा ली थी जिसमें उन्होंने अवैध दरगाह पर कार्रवाई करने की मांग की थी और पुलिस प्रशासन और सरकार से ये मांग की गई थी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के भाषण के बाद ठाणे मनसे नेता अविनाश जाधव ने दावा किया था कि मुमरा में फॉरेस्ट की जगह पर अवैध दरगाह निर्माण किया है, उस पर प्रशासन और सरकार कार्रवाई करे, ऐसी मांग की थी। लेकिन मुमरा ये बहुत शांत मुस्लिम आबादी वाला शहर है और अविनाश जाधव के बयान पर दो समाज में टेढ़ निर्माण होगा, इसलिए ठाणे पुलिस आयुक्त की तरफ से मुमरा प्रवेश बंदी लगाई गई थी। लेकिन आज मनसे नेता अविनाश जाधव ने फिर एक बार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मुझे मुमरा जाने की काफ़ी उत्सुकता है और कभी ना कभी नोटिस मेरी खत्म होगी और उस दिन मैं बैंड बाजा बजा कर मुमरा जाऊंगा। मीडिया से बातचीत करते हुए मनसे नेता अविनाश जाधव ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। ज्या प्रमाणे कार्यक्रममध्ये आपण आला त्याप्रमाणे मुंबईमध्ये सुद्धा खूप जण आपली वाट पाहत आहे, कधी येणार ते जेवढी वाट बघतात त्यांच्यापेक्षा जाण्याची जास्त उत्सुकता मला आहे। मी कायद्याचं पालन करणारा माणूस आहे, मला वाटतं की ज्या दिवशी माझ्या नोटीस कधीतरी संपवतीलच, सो ज्या दिवशी संपेल त्या दिवशी मी पूर्ण वाजत गाजत मुंबईमध्ये जाणार एवढं नक्की।